नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीपक सर, इसके आवाज में से हम खड़े बिहार में जो बी एस एफ कॉलेज पर है, बी एस एफ कॉलेज के जस्ट पीछे है बिहार टंकी है। इस टंकी को हम कई बार दिखा चुके हैं और इस टंकी के बारे में कई बार हम जाए हैं। जब ये मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ, रिपेयर हुई थी ये जहाँ जहाँ से चटकी है, इसकी वीडियो फुटेज और इसकी वीडियो, इसके फोटो, इसके बारे में हमने अपने चैनल पर कई बार दिखाया। ये कई उन्होंने कहा था कि हमने रिपेयर करा दी है, उस टाइम पर ये पानी की समस्या के कारण ढंग से नहीं बनी, ये नहीं हुआ। तो हमने उनसे कहा था, ये देखिए ये सारा सीमेंट वगैरह हम दिखा चुके हैं टंकी के ऊपर जो चढ़े हैं, हमने ये सारा दिखाया था आपको और उस टाइम बार बार बोला था ये टंकी गलत है, महोदय कृपया इस टंकी को ना भरें। और मेरा एक वीडियो है, मैं खुल के कह रहा हूँ, प्रशासन के सामने बोल रहा हूँ, एक वीडियो है जब ये टंकी का बाल फटा था और यहाँ घरों में पानी भरा था, तो मैंने जेई को फ़ोन किया और जो यहाँ के और अधिकारी हैं जल निगम के, उनको फ़ोन किया और उनसे बोला था कि महोदय इस टंकी को जिस दिन आप फुल भर देंगे ये भर भरा कर गिरेगी। उसका रीज़न था, इसके जो पिलर थे वो टूटे हुए थे, कहोगे वो वीडियो मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट, ये फोटो आप जो देख रहे हैं ना टीवी पर, जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, ये फोटो उस टाइम का है जब इसका पिलर चटका था। और उस टाइम जब पिलर चटका, हमने कहा था ये पिलर डैमेज हो चुका है, महोदय इस टंकी को किसी भी तरह से डैमेज करा दीजिए, अन्यथा की स्थिति में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन जो इंजीनियर थे उन्होंने हमें एक भाषा सिखाई, उन्होंने कहा महोदय ऐसी घटना तो हो जाती है, ये टंकी जीवन में नहीं गिर सकती, इसका हम लिखित में चैलेंज दे रहे हैं। आज वो अधिकारी मेरे आगे आकर के चैलेंज करके दिखाए कि ये टंकी कैसे नहीं गिरी। मैंने बार बार बोला था, इसीलिए मैं प्रशासन का भी बुरा रहता हूँ, मैं नेताओं का भी बुरा रहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ और सत्य हमेशा सबको कड़वा लगता है। मैंने बार बार बोला था इस टंकी को मत भरो, इस टंकी को बंद रखो, और आज वही हादसा हुआ। इसके पिलर जो बनाए गए थे बिल्कुल 2 mm दर्जे की क्वालिटी यूज की गई, मसाला ऐसे हाथ मारने से टूट रहा था, तो आप सोचिए। और जब हमने दिखाया था कि ये टंकी चटक रही है, इस तरह का एक हमारा वीडियो है कि ये टंकी गिर जाएगी, टूट जाएगी, गिर जाएगी, तो लोगों ने हमारा मजाक बनाया था, अधिकारियों ने बोला था कि आप अपनी TRP के लिए बोल रहे हैं, आज वो TRP देने वाले वो आ जाए सामने। यहाँ किसकी जान की, किसी की जान गई है या किसी के परिवार से कोई लोग घायल हुए हैं, लेकिन आप तो सरकारी नौकरी भी करते हैं और ऊपर से मलाई भी खाते हैं, अगर ये इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो ये कैसे गिर गई? इससे पुरानी टंकी बनी हुई खड़ी है वो क्यों नहीं गिरी? अगर इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, अगर भूकंप से गिरी तो वो टंकी क्यों नहीं गिरी? ये भ्रम फैलाना छोड़ दें, जो भ्रम फैलाया जा रहा है जनता में कि टंकी धरती इससे हिली, भूकंप इससे पैदा हुआ, जनता की जान से खिलवाड़। अभी आपने देखा कि कहीं एयरपोर्ट की छत गिर रही है, कहीं रोड धस रही हैं, मथुरा में भी 50 रोड ऐसी हैं। मैंने कई रोडों के बारे में दिखाया कि जल निगम द्वारा जो रोड खोदी गई हैं उनकी गुणवत्ता की जांच हो, उन अधिकारियों पर एक्शन लिया जाए जिन्होंने रोड बनाई है और उनको खोद करके डाल दिया और आज वो रोड धस गई, कहीं रोड बैठ जाती है, पानी की सुविधा नहीं है, कहीं पीने के लिए पानी नहीं मिलता, लेकिन टंकी गिर जाती है। महोदय इतना पानी दे दिया आज इन्होंने कृष्ण बिहार वासियों को, आम जनता को इतना पानी दे दिया कि वो जीवन में ऐसे घटना को, इस पानी को भूल नहीं पाएंगे। और ये कार्य मैं क्या कहूँ, क्योंकि पैसा इतनी बड़ी बीमारी है कि लोगों की जिंदगी बड़ी छोटी लगती है, सरकारी तनख्वाह इतनी अच्छी मिलती है लेकिन पेट नहीं भरते भ्रष्टाचार से। यहाँ आम जनता भैया क्या कहेंगे, कुछ बस तमाशा, ये तमाशा ही जिस दिन खत्म हो जाएगी, और मुख से आवाज निकल के आएगी, भ्रष्टाचारी कोने में दबे दिखेंगे, लेकिन नहीं, बस वीडियो बनाने आएंगे, फोटो खींचने आएंगे घटना पर, लेकिन मुख से कोई नहीं बोलेगा। मैं यहाँ और जनता से बात करना चाहूँगा, देखते हैं कितने लोग बोलते हैं। सर यहीं के रहने वाले हो?
जहाँ तक हो। सर अच्छा घटना के बारे में तो बोल ही सकते हैं, नहीं घटना के बारे में ये दुखद है या कैसी है? तो इस बोलने में क्या दिक्कत है? मैंने तुमने ये बोला था कि मैं सब मुख्यमंत्री से शिकायत पहुँचाऊंगा, कांग्रेस को शिकायत पहले तो हमने तो पहुँचाई, तो हुआ क्या उसका? अब ये अधिकारी दबा के बैठ गए, मैं क्या करूं? भाई ये टॉर्च बंद कर, भाई टॉर्च बंद कर। कौन बताएगा ये बताओ, आम आदमी की आवाज न्यूज वाले उठाएंगे कि नहीं? न्यूज ने अच्छा एक चीज बताओ, उस टाइम हमने प्रमुखता से जोड़ दे करके बोला था या नहीं, जेई के सामने बोला था या नहीं बोला था? ऐसा जेई कहां गया, वो जेई नहीं दिखाई देगा। और जो अधिकारी हैं, आप मुझे तो ये बताओ, प्रशासन योगी जी जब है जब इसका न्याय करे, अगर दोषियों को सजा दे, सालों के घर खेत बिकवाए, अब बुलडोजर चले तो है। अरे बुलडोजर योगी जी के बस की नहीं है बुलडोजर चलाना अपने अधिकारियों पे, भ्रष्ट तो उनके अधिकारी हैं। इस पर जो मतलब आबादी, इतनी आबादी के क्षेत्र में इतनी बड़ी टंकी का कौन सा नियम है मुझे दिखा दो, लाओ मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। साले पैसे ले लेके अपने काम कर रहे हैं, और दुनिया भर की जगह पड़ी वहाँ पे टंकी बनवाओ ना जब ये। और फिर बनी तो यहाँ पे मजबूत क्यों नहीं बनाई? यहाँ पे ये ट्यूबवेल का पानी है, योगी क्या मोदी आ जाए यहाँ पे नहा के दिखा दे उस पानी से, पीने की तो बात दूर है। और उससे टंकी बन रही है मीठे पानी लाने के लिए, सब वो जो अधिकारी बोल रहे थे मीठा पानी कहाँ से लाएं? अरे पैसा का उनका बाप दे रहा है क्या? प्रशासन दे रहा है, प्रशासन के पैसे से क्यों नहीं लेके आ रहे हो? ताले यहाँ के पानी को निकाल के तुम उससे टंकी बना रहे हो। इसका देखो मटेरियल, इसमें सरिया देखो कितने एमएम की है, 4 MM की, और टंकी कितने उसकी है, और हर एक महीने बाद रिपेयरिंग हो रही है। जब क्या साले अधिकारी ऐसे ऐसी कराने जाने, पैसा कौन दे रहा है? जब ये टंकी चुचाना स्टार्ट हुआ था तब से हम खबर दिखा रहे हैं, आपको पता है? नहीं ना कुछ, हर बार आए और उसमें ठेकरी लगा के चले गए। मैं तो नहीं कर सकता ना, ये तो काम प्रशासन का, प्रशासन को जगाने का। प्रशासन की कह रहा हूँ, प्रशासन नपुंसक है साला, मैं कह रहा हूँ जब मुझे जेल में डाल दो। अभी यहाँ पे कितने लोग मरे? प्रशासन का कोई अधिकारी अपने घर के एक आदमी को मार के दिखाए यहाँ पे? अगर तिलदार अपनी औलाद है तो अपने आदमी को यहाँ पे मार के दिखाए एक को? या लोग मरे उनकी, वो देखो क्या हो रही है उनकी कंडीशन, उनके घर टूटे हुए। तुम तो आलिशान कोर्ट में बैठे हुए ना, क्योंकि वो भी तुम्हारे बाप की नहीं है, ये तो प्रशासन नहीं है। हम आपका दुख समझ सकते हैं, और ये बार बार हम चेतावनी दे रहे थे। अरे बार बार प्रशासन को गुस्से में आ गया ना, सालों की जो लुंगी गीली कर देगा। हम समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए जिससे बीतती है उसको गुस्सा आता है, और गुस्सा जायज है। मैं बार बार बोलता हूँ, आम जनता को बोलना पड़ेगा, आम जनता को बोलना पड़ेगा। अगर आपके सामने गलत कार्य हो रहा है तो उसकी आवाज उठाइए, खाली मीडिया के भरोसे मत रहिए आप। ये बीजेपी का शासन है साहब, आवाज उठाओगे तो जेल में डलवा देंगे। तुम बीजेपी के खिलाफ कुछ कह के दिखा, दूसरे दिन तुम्हें जेल में डलवा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। अरे यहाँ बुलडोजर चलाओ ना, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अधिकारियों के खिलाफ कंटिन्यू, मैं तो भाई साहब किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मैं तो असत्यता के खिलाफ हूँ। अगर योगी जी वास्तव में योगी जी हैं, तो कल से बुलडोजर उन अधिकारियों को ऊपर चलवाओ जिसने यहाँ पे पास की, जिसने इसको टेंडर पास किया, जिसने जगह पास की, जिसने यहाँ के लिए पैसा पास किया, उन सब पे गाज गिरवाओ, सबके यहाँ बुलडोजर चलवाओ। अगर वास्तव में योगी जी हैं तो, नहीं तो भोगी जी हैं, कोई योगी जी नहीं है, दिखता है सिर्फ वही करते हैं। जाँच कोई नहीं कर पाता, सही तक कोई नहीं पहुँच पाता। हमने बार बार आवाज उठाई थी। और एक और चीज और बता रहा हूँ आज, ये अभी तो टंकी गिरी है, ये टैंक और फटेगा पीछे वाला, देख लेना। कौन सा टैंक है? इसके पीछे एक और टैंक बंडा पार्क में, अंडरग्राउंड पानी का, वो और फटेगा, और वहाँ पे इससे ज्यादा बड़ा हादसा होगा अगर नहीं चेते तो। अभी जो बनाया गया, क्योंकि आबादी के बीच में, अरे दीवार पानी को कितना रोक लेंगे, कितने पानी को स्टोर कर लोगे? कोई प्रैक्टिकल है, इंजीनियरिंग है कुछ के नहीं? तो घर में तुम छत पे बना लो टंकी, कितनी देर तक पानी रुक पाता है? अब आप एक चीज बताइए, फिर वही चीज हो जाती है कि लोग कहते हैं कि तुम तो प्रशासन के और उसके खिलाफ बोलते हो। जब रोड इंजीनियर बढ़िया बना के नहीं दे सकते तो टंकी क्या बना के देंगे? पैसा इंजीनियर क्या किया जाए, सबरे जो है बिना पढ़े लिखे इंजीनियर है, डिग्री खरीद ली और इंजीनियर बन गए। बताओ कौन सा पढ़ा लिखा और कौन सा प्रैक्टिकली इंजीनियर है? गड्डियों से मतलब है कि इसमें मुझे कितना बचेगा, इसमें मेरा कितने परसेंट मार्जिन है? आज से बहुत पुरानी है, कृष्ण बिहार जब बसा था तब की यहाँ 2 टंकियां हैं, उसके बाद एक और बनी थी, वो क्यों ना गिर रही? वो क्यों नहीं गिरी भाई? वो तो जर्जर आ रहे थे, वो क्यों नहीं गिर रही? और यही क्यों गिर गई 1.5-2 साल में? और उनकी तो कंडीशन ये है कि कभी भी गिर, बिल्कुल वो क्यों नहीं गिरी? ये जवाब तो प्रशासन देगा ना, जांच करने वाले देंगे, और जो है जिन्होंने पास किया वो करेंगे, जिन्होंने टेंडर पास किया वो बताएंगे।
भाई ये सोचो, पिलर डेली फट रहे हैं, डेली रिपेयरिंग हो रही है, सब टंकी बंद कर दी, रिपेयरिंग हो रही, संज्ञान क्यों नहीं लिया जब पिलर फट रहे हैं? टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी है कि ये मकान कितने दिन बाद गिरने वाला ये चीज बता देंगे। बिल्कुल सही नहीं आज से, तो इस पे कहा स्टेसी करा के सबरी अधिकारी, सबरी इंजीनियर स्टेसी करा, सबरी इंजीनियरिंग फेल हो गई। वो तो जल निगम के अधिकारी तो ये पल्ला झाड़ के इकट्ठे हो जाते हैं, सब हमारा तो पानी का काम है, वहाँ से नहीं मिल रहा हमें, ये नहीं हो रहा है, हमें वो नहीं हो रहा है। तो ये किसने पास की, ये कि कौन से अधिकारी ने की, वो जवाब दे दे साहब, वो जल निगम है या नगर निगम है? जल निगम ने किया है। तो फिर काय को पल्ला झाड़ेंगे भैया, ये बताओ, जब जल निगम ने पास की है उनके साय ने, तो काय को पल्ला झाड़ेंगे? क्या लगता है इस पे कार्रवाई हो पाएगी? इस पे कार्रवाई हो पाएगी आप लोगों को लगता है? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कल से या कल दो दिन न्यूज में निकलेगी, तीसरे दिन से सब चीज खत्म है, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए लिए, लाखों रुपए खर्च कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लॉजिकली बात है, साइकोलॉजिकल बात है, हमारा आदमी बह जाता है भाई, समझ में? आप भी यही रहते हो महोदय, क्या कहेंगे? हम तो बार बार इसमें दिखाते रहते कि सब जाग जाओ, चेत जाओ, अधिकारियों को बोलते रहे, सब काम करते रहे, सब साले दलाल हैं। गाली निकलती मुंह से भाई साहब, यह बहुत बुरा हादसा हुआ है और मैं जनता के साथ हूँ, और कल से यह कहूँगा कि जनता मेरे साथ चले और धरना धर के बैठूंगा। यह बहुत बड़ा हादसा हुआ है, क्यों कि चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं जानता, मैं पार्टी का आदमी हूँ, पर ये मैं मानता हूँ, पर कल से मैं जनता के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ धरने पे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। देखिए ये है आम जनता का रोष, लेकिन अधिकारी जो सरकार है, इस सरकार में अक्सर जो देखा गया है, कभी रोड बैठ रही है, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कभी मकान गिर रहे हैं सरकारी, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अक्सर इस सरकार में बनाई हुई चीजें ही क्यों गिर रही हैं? आप अभी वही हो जाता है कि साहब आप तो कांग्रेस होंगे, आप बीजेपी होंगे, आप सपा होंगे, आप बसपा होंगे, इन चीजों को छोड़ करके आप इंसान कब बनेंगे? आप जिम्मेदार अधिकारी कब बनेंगे? और अधिकारियों की जिम्मेदारी सरकार में कब हो सकेगी? जिसके समय में, जिसके समय काल में जो घटना होगी उसका जिम्मेदार वही अधिकारी होगा जिसने ये पास किया होगा, वो जिम्मेदारियां कब होंगी? नहीं काफी, लेकिन नहीं हो रही। आप कानून बदल सकते हो लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, लेकिन उन अधिकारियों को, उन नेताओं को, उन सरकारी कर्मचारियों को कब आप प्रताड़ित दंड देंगे जो इस तरह का कार्य करते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यानी आपका बिल्डोजर आधी तो जमीन में घुस गई है, गुंडे चोर उचक सब पर चलता है, क्या भ्रष्टाचार पर चलेगा? क्या आपका बिल्डोजर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर चलेगा जिन्होंने ये पास की थी? क्या ऐसे अधिकारियों पर जिनको बार बार आगाह किया गया कि भाई ये टंकी गिरेगी, ये टंकी गिरेगी, लिखित में दिया, वीडियो के माध्यम से वो किया, बहुत कुछ करके चुप गए, लेकिन उन्होंने कान पर जू नहीं रहेंगी, और आज ये इतना बड़ा हादसा हो गया। अब वो ये ना कि हम पत्रकार हैं, हमारी आंखों से आंसू नहीं झलक पा रहे, बस जिस हादसे को जिसने देखा है, क्योंकि मेरे ये सब भाई बहन हैं, क्योंकि मैं यहीं का निवासी हूँ, तो मेरे सब भाई बहन हैं, लेकिन जिनके हाथ से गुजरा है ना, जिनके परिवारों से जो बीती है, शायद ही कोई बता पाएगा उस दुख को। ये दुख उन अधिकारियों के जब बीतेगा ना, तब पता चलेगा, एहसास होगा कि हाँ वाकई दुख होता है। अगर मेरे शब्दों से किसी को आहत होती है, हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं जनता के साथ था, हूँ और हमेशा रहूँगा, इस भ्रष्टाचार की आवाज़ को हमेशा उठाता रहूँगा। अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई करनी है, खुल के करते, मेरा नंबर ले लें, मेरा नाम ले लें, लेकिन मैं भ्रष्टाचारियों की ऐसे ही पोल खोलता रहूँगा। अभी ये तो टंकी है, अभी दो और ऐसे भ्रष्टाचार दिखाऊंगा जो मथुरा में बहुत बड़े हादसे होने वाले हैं, इसके लिए हो जाइए तैयार। बहुत जल्दी पुलिस की आवाज न्यूज पर आपको दिखेगा वो भ्रष्टाचार, और मैं मथुरा के प्रशासन के अधिकारी खड़े हैं, ये भी सुन लें, उस भ्रष्टाचार को मैं जब सामने पेश करूंगा तो बहुतों के फोन आएंगे और मुझे बंद करने की धमकियां मिलेंगी, लेकिन मैं धमकियों से डरूंगा नहीं, और वो भ्रष्टाचार सामने लाऊंगा, और उस भ्रष्टाचार के बाद जो तहलका मचेगा आप देखते रहिए। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज, जय हिंद, जय भारत।